फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को मेलका लेकर चल रही हूँ। वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है और ये हमारी लोकेशन से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आइए आपको हम आपको वहाँ पे लेके चलते हैं और देखते हैं कि मेलका है कैसा। रास्ते में जो भी कुछ मुझे दिखेगा मैं रिकॉर्ड जरूर करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस हम लोगों ने अपनी ट्रैवल स्टार्ट कर दी है। रास्ते में हमें जो भी कुछ दिखा हमने रोड का ये रिकॉर्ड कर लिया। और सबसे अच्छी बात है कि पूरे मलेशिया में आपको ग्रीनरी बहुत देखने को मिलती है। वेदर की बात करें तो यहाँ गर्मी रहती है लेकिन रोज़ ही लगभग यहाँ पे बारिश भी होती है। तो हम आ गए हैं होटल। तो होटल जो हमारा था वो मेलका मेन सिटी में ही था। तो जो भी यहाँ पे आना चाहता है वो होटल अगर लेगा तो मेन सिटी में लेगा तो काफ़ी अच्छा उसको रहेगा कि आसपास की चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर कर सकता है। तो हमने होटल को ऑनलाइन बुक किया था। आप भी ऑनलाइन ही आप अगोडा से या फिर मेक माई ट्रिप से जिससे भी आप बुक करना चाहें आप बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए होटल के अंदर। अभी चेकिंग प्रोसेस चल रहा है तो इसलिए मैं थोड़ी सी फ्री थी तो मैंने अंदर का ही होटल का इंटीरियर वगैरह रिकॉर्ड कर लिया। और आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप यहाँ पे चेकिंग प्रोसेस चल रहा है जैसा कि मैंने बताया, तो हमें यहाँ पे थोड़ा 10 मिनट बैठना पड़ेगा रूम के लिए, उसके बाद सीधे हम अंदर जाएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं कि अंदर का ये होटल का रूम कैसा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिफ्ट प्रेस करनी है, लिफ्ट से हम ऊपर जाएंगे। तो ऊपर फिर हम आने के बाद मैं आपको इस होटल का रूम टूर कराऊंगी। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी कि कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आ गए हैं हम इस रूम के अंदर। ये हमारा रूम है जिसमें हमने 3 बेड का लिया था बिकॉज मम्मी भी हमारे साथ थी इसलिए। तो रूम तो काफ़ी अच्छा हमें लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है कॉमेंट डाउन ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड हम आ गए हैं होटल और आते ही हमने पहले यहाँ पे चेक इन किया, सामान वगैरह रखा, थोड़ा हमने रेस्ट किया और अब हम जाएंगे। रेस्ट रेडी हो गए हैं, अब हम थोड़ा सा फ्रेशनेस भी फील हो रहा है। तो अब हम जाएंगे सीधे मेलका देखने। जैसा मैंने बताया ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, हम चलेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे रिवर क्रूज है, चर्च है, बहुत सारे म्यूजियम्स वगैरह हैं। तो देखते हैं क्या कवर कर पाते हैं। तो आइए हम लोग सीधे वहाँ पर चलते हैं। तो हम निकल दिए हैं और कहाँ जा रहे हैं आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो जैसा मैंने बताया कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है, आप यहाँ की बिल्डिंग वगैरह देखिए वीडियो में, पहले से ही वैसे ही है, कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है, ये लोग मेंटेन करके रखते हैं वैसे ही। तो काफ़ी अच्छा हमें लग रहा था यहाँ पर, मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड अंदर गाड़ी का भी कर लिया था। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत आसपास बहुत सारे आपको शॉपिंग स्टोर भी दिखेंगे, मॉल वगैरह भी हैं। तो यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है अपनी। तो अभी हम लोग आ गए हैं रिवर क्रूज पे और जा रहे हैं सबसे पहले टिकट काउंटर पे। तो टिकट के लिए हमें उधर जाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, हम पहले सबसे पहले टिकट लेते हैं क्रूज के लिए, फिर उसके बाद हम रिवर क्रूज की राइड लेंगे। और यहाँ पे पार्किंग के लिए काफ़ी अच्छा प्लेस है, बहुत बड़ा बनाया गया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है, बहुत धूप धूप नहीं है और बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे लग रहा है आ करके। तो सबसे पहले हम चलते हैं वहाँ पे टिकट काउंटर पे टिकट लेंगे, उसके बाद हम रिवर क्रूज़ की ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पे टिकट की प्राइस लगी थी, तो रिवर क्रूज़ की जो टिकट की प्राइस थी वो 30 रिंगेट की थी, जो कि आप अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हो तो 540 रुपीज़ होते हैं पर पर्सन। तो यहाँ पे टिकट की लाइन लगी थी, हम पहले टिकट वगैरह लेंगे यहाँ से, फिर उसके बाद इस रिवर क्रूज़ में जाएंगे। तो जिस टाइम हम आए थे उस टाइम बिल्कुल भी यहाँ पे क्राउड नहीं था, नहीं तो यहाँ पे ऐसे हॉलीडे वगैरह में बहुत सारे क्राउड रहते हैं। तो आइए हम चलते हैं रिवर क्रूज़ पे। तो वीडियो को थोड़ा सा मैंने कहीं कहीं पे फास्ट मोड पे डाल रखा है बिकॉज़ वीडियो की जो लेंथ होती है बहुत लंबी हो जाती है इस वजह से। तो आइए चलते हैं, हम इस रिवर क्रूज़ की राइड लेते हैं। तो जो भी यहाँ का सिटी व्यू है वो हमें यहाँ पे कराते हैं मतलब इस रिवर क्रूज़ में, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और जो म्यूज़िक वगैरह इस रिवर क्रूज़ में बसते हैं वो सारे मलेशियन लैंग्वेज में होते हैं। और बीच बीच में यहाँ की जो स्टोरी होती है वो भी बताती है, बट हमें समझ में नहीं आती है क्योंकि इनका लोकल लैंग्वेज होता है। सो क्रूज ड्राइव करके हमें बहुत अच्छा लगा, काफ़ी इन्जॉय किया हमने, यहाँ पे पूरा मेलका का सिटी व्यू था। और अभी हम जाते हैं चर्च, तो चलिए आइए हम आपको चर्च लेकर के चलते हैं। सो आइए मैं आपको लेकर के चलती हूँ चर्च। और थोड़ी आज बारिश हो गई थी तो जिससे मौसम काफ़ी अच्छा लगा था। तो जैसा मैंने बताया कि एक हिस्टोरिकल प्लेसेस है,
तो आप यहाँ की रोड वगैरह और जो बिल्डिंग वगैरह है आप देख करके आइडिया लगा सकते हो कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो अभी तक भी ऐसे ही है, बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की गई है। तो हम आ गए हैं जॉनकर बॉल की स्ट्रीट। ये स्ट्रीट जो है इसी रास्ते से हम चल के सीधे चर्च तक जाएंगे। तो यहाँ पे यहाँ का बहुत अच्छा ये माहौल होता है, रात का आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगेगा, जो कि ये जो स्ट्रीट है रंग बिरंगी लाइटें, शॉपिंग, थोड़ा भी उजाला था इसलिए आपको नहीं दिख रहा था, आगे वीडियो में दिखेगा, काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे शॉपिंग वगैरह बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगी, थोड़ी अभी क्राउड कम है लेकिन जैसे जैसे रात होती है तो क्राउड हो जाती है यहाँ पे। Is this is coconut ball? Yes, coconut ball. Yes, coconut ball, coconut shake. Okay. Yes, coconut ball, coconut ball. तो यहाँ पे कितने अच्छे से क्रीम को, कोकोनट की क्रीम को निकाल करके पैक करके डिब्बे में सेल कर रहे थे। और यहाँ पे हम आ गए हैं चर्च के पास, तो चर्च के पास ही आपको बहुत सारे कलरफुल रिक्शा देखने को मिल जाएंगे, ये बैटरी से चलते थे। और यहाँ पे इस रिक्शा का आप जो भी यहाँ पे इनका चार्ज है शायद 20 ringgit पर पर्सन है, और आप उसको पे करिए और रिक्शा राइड लीजिए। तो हमने भी यहाँ पे राइड लिया, बहुत अच्छा लग रहा था, कलरफुल रिक्शा था, लाइट्स बहुत सारी लगी हुई थी इस रिक्शे में। अच्छी बात थी कि बॉलीवुड म्यूजिक प्ले कर रहे थे। ये है मेलका का, आई लव मेलका स्टेट। और ये जो चर्च के बाहर ही देखने को आपको मिलेगा, तो ये यहाँ का एक मेन लोकेशन है इस पूरे मेलका का, जो कि यहाँ का चर्च है। आप दिन में आएंगे तो आप चर्च के अंदर भी जा सकते हैं, बट हम रात में आएंगे तो सिर्फ आप यहाँ का जॉनकर बॉल तो जो स्ट्रीट है वो आप इन्जॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ का एटमॉस्फेयर होता है, रात में ही लाइव बैंड वगैरह आप साइड में देख रहे हैं, बसते रहते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा वहाँ लग रहा था। सबसे अच्छा तो यहाँ पे मुझे मिली दिखा ये वाटरमेलन, छोटे छोटे सीडलेस थे और उसके अंदर ऐसे ड्रिल करते थे और उसके अंदर पाइप लगा करके जितने वाटर और उसके अंदर शुगर वगैरह कुछ भी नहीं, सारे वाटरमेलन को एक जगह होल करते हैं और सारे अंदर के वाटरमेलन को ड्रिल करके एक पाइप लगा करके स्पून लगा करके दे देते थे खाने के लिए। वो काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ का लगा। काफ़ी इन्जॉय किया हमने यहाँ पे आके, और सेकेंड पार्ट भी हमारा जल्दी ही चैनल पे आएगा। और आज हम लोगों को यहाँ पर आ करके बहुत ही अच्छा लगा है। और तुमको कैसा लगा मम्मी? बहुत अच्छा लगा बेटा यहाँ करके। तो मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा, हमने काफ़ी इन्जॉय किया। तो चलिए आज का ये जो ब्लॉग है मैं यहीं स्टॉप करती हूँ, मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप सेकेंड पार्ट का वेट करिएगा, हम उसको जल्दी ही अपने चैनल पर अपलोड करेंगे।